Dear students, today in this class of discrete mathematics we will study the next topic that is pendant vertex. आइए हम देखते हैं pendant vertex क्या होता है. Tree के मामले में pendant vertex क्या होता है ये हम देखेंगे. Pendant vertex की अगर हम बात करें तो ऐसा vertex जिसकी degree 1 हो उसे हम pendant vertex कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा. और जो भी tree होगा, कोई भी tree हो, उसमें कम से कम एटलीस्ट 2 पेंडेंट वर्टेक्स तो होंगे ही, ये ध्यान रखना. तो हम कह सकते हैं ए वर्टेक्स इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स इफ इट हैज डिग्री 1. ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी वो पेंडेंट वर्टेक्स होगा. और ट्री की बात करें तो इन एनी ट्री विद 2 और मोर वर्टेक्सेस, कोई भी ट्री है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्टेक्सेस हैं, there are at least 2 pendant वर्टेक्सेस. ठीक है, 2 पेंडेंट वर्टेक्स उसमें ज़रूर होंगे. ठीक है, क्लियर. अगर पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है किसी भी ग्राफ में, ट्री में, तो वो सर्किट या ग्राफ कहलाएगा, ना कि एक ट्री कहलाएगा. ठीक है, ठीक है. पेंडेंट एक देखते हैं इसका एक स्ट्रक्चर. ये वर्टेक्स है, ठीक है, एक ये वर्टेक्स ये देखिए, ये हमने एक ट्री बना लिया है. इसमें जितने की डिग्री 1 होगी वो सब पेंडेंट वर्टेक्स होंगे. इसकी डिग्री 1 है, ये पेंडेंट, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री, मतलब एक डिग्री 1 का मतलब है जिस वर्टेक्स पर एक सिंगल एज हो तो उसकी डिग्री 1 होगी. जितनी एजेज उससे इंसिडेंट्स होंगी वो उसकी डिग्री होती है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो इस पर देखिए, सिंगल एजेज है तो इसकी डिग्री सबकी 1 है, तो ये सब ट्री के लिए पेंडेंट वर्टेक्स कहलाएंगे. ठीक है, क्लियर, ओके. तो ये हो गया पेंडेंट वर्टेक्स. अब हम बात करेंगे रूटेड ट्री. ठीक है, रूटेड ट्री. रूटेड ट्री क्या होता है? ऐसा ट्री जिसमें उसकी एक वर्टेक्स रूट कहलाएगी, जो कि और सारे वर्टेक्स से अलग भी हो, उसे हम रूटेड ट्री कहते हैं. ठीक है, जैसे कि ए ट्री इन विच वन वर्टेक्स, जैसे हम कहते हैं कॉल्ड द रूट. ठीक है, इज डिस्टिंग्विश्ड
extinguished from all the other, ऐसी वर्टेक्स जो और वर्टेक्स से डिस्टिंग्विश हो, ठीक है, इज कॉल्ड ए रूटेड ट्री। इस तरीके के ट्री को रूटेड ट्री कहते हैं, जैसे कि ठीक है, ये देखिए ट्री, देखिए एक ट्री बना है, इसमें ये क्या होगी बी ज़ीरो, ये होगी रूट, ठीक है, ऐसे हम कहेंगे रूट, ठीक है, ये बी टू, बी वन और बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी एट, बी नाइन, बी टेन, वी एलेवन, वी ट्वेल्व और वी थर्टीन। तो ये जो है हमारा क्या है, रूटेड ट्री, ठीक है, ये हो गया रूटेड ट्री। ओके, अब हम बात करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में। नेक्स्ट हमारा ट्री है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री भी एक स्पेशल क्लास का रूटेड ट्री है। इसमें क्या होता है, जितने भी वर्टेक्स होंगे उसके दो सब ट्रीज होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दो सब ट्री होंगे, तो एक सब ट्री उसका लेफ्ट सब ट्री कहलाएगा, दूसरा राइट सब ट्री कहलाएगा। अगर अदर सब बर्ड्स में कहें तो कह सकते हैं ए बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज ए ट्री इन विच देयर इज एग्जैक्टली वन वर्टेक्स ऑफ डिग्री टू, जिसे रूट कहेंगे, एंड ईच ऑफ रिमेनिंग वर्टेक्स ऑफ डिग्री वन और थ्री। यानी कि कम से कम एक जो रूटेड वर्टेक्स होता है वो उसकी डिग्री दो होनी चाहिए, और अदरवाइज अदर जो वर्टेक्स होते हैं उनकी डिग्री वन या थ्री होनी चाहिए। ऐसे ट्री को बाइनरी ट्री कहते हैं, ठीक है। ए बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज ए ट्री इन विच there is exactly one vertex of degree two, इसे हम roots कहते हैं, and each of the remaining vertexes is of degree one or three, ठीक है, ऐसे वो हम बाइनरी ट्री कहते हैं, ठीक है।
जो बाइनरी ट्री है वो एक बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल रूटेड ट्री, ठीक है, वेयर वेयर वर्टेक्स हैज अटमोस्ट टू सब ट्रीज, ओके, दैट इज लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री के बारे में कुछ नोट्स हैं वो ध्यान रखिएगा। Firstly, the number of vertexes n in a binary tree is always odd. ठीक है, और सेकंड है एक बाइनरी ट्री मैं बना के दिखाता हूँ, कल इसके बारे में देखेंगे। ये देखिए, ओके, तो ये हमारा क्या है, एक बाइनरी ट्री, ठीक है। ये हमारी रूट है जिसे हम कहेंगे लेवल जीरो, ये हो जाएगा लेवल वन, ये हो जाएगा लेवल टू, और ये हो जाएगा लेवल थ्री, ये हो जाएगा लेवल फोर, और ये हो जाएगा लेवल फाइव, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट्स हम कल समझेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।